और हमारे दिन की शुरुआत हो रही है ऐसे। भाई यहाँ से पानी लीक हो रहा है और यहाँ पानी अंदर घुस रहा है, इधर तो मैं बंद कर दिया हूँ। तो दीन तोड़ के आधा पूरा सारा सामान बांधना पड़ रहा है और फिर से हल्का हल्का बारिश हो रहा है। जरा नजारा चेकआउट करो, क्या मेरा मैप काम नहीं कर रहा है। चलो भाई हमारा वाटर क्रॉसिंग आज का। कोई पूछे जिंदगी क्या है उसे ये दिखा देना। तो भाई समय हो गया भाई 11:30 और मैं हो चुका हूँ गेरअप और अपनी बीवी जीएसबी हो चुकी है भाई पूरी तरीके से लोडेड। भाई तो अभी बारिश रुक चुका है तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलूंगा। और ये फैमिली भाई हमें मस्त टाइप से पूरा लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ भाई प्रोवाइड कर दिए। और मेरे पास रेन कवर नहीं था तो मैंने बस ये टेंट को ही भाई रेन कवर बना लिया, बिकॉज अगर लैप ही सब सेफ रहा तो भाई सब सेफ है भाई। बाकी इसमें तो भाई चुल्ला उल्ला है तो सब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं रेनकोट ही पहन लिया हूँ क्योंकि ये पता नहीं भाई बारिश बीच बीच में होते रहे तो दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत सारा कपड़ा भींग चुका है। तो निकलते हैं यार यहाँ से। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, लेट्स गो बॉय। मेरा प्लान था कि मैं वापस यहाँ पे लंच करने आने वाला था बट जिस तरह का बारिश हो रहा है मैं बोला रहने दो यार डिले और ज़्यादा होगा इसलिए यहाँ से निकलते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ तोदे जो कि यहाँ से अराउंड 1.5 घंटा लगेगा। वहाँ पे मॉनेस्ट्री है और तोदे या तंगस्ता ये इंडिया का लास्ट विलेज है इंडो बॉर्डर तक में। और जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी तंगस्ता वहाँ पे ठंडा और ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे तो ठीक ही ठाक था 9-10 तक का टेम्परेचर था तो बिंदु के लिए यहाँ से राइट लेना पड़ता है बट तंगस्ता के लिए सीधा ऊपर। तो अपन बिंदु नहीं जा रहे हैं सीधे तंगस्ता ही जा रहे हैं और ऊपर से तो और तगड़ा व्यू रहना चाहिए। भाई ये पत्थर उत्थर कहाँ से गिर गया और इधर का रास्ता बहुत ज़्यादा स्लोप वाला है क्योंकि ज़्यादा स्पेस है नहीं और रोड बनाना है तो एकदम सीधा चढ़ान हो जाता है। और झालंग से तंगस्ता ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 20 किलोमीटर ही है बट बिकॉज ऑफ पहाड़ एंड चढ़ान 1.5 घंटा लग जाता है। और कल मेरा गाड़ी बाहरी में था तो भाई बारिश में मस्त से वॉश भी हो गया। भाई साहब क्या ब्यूटी है इधर। तो जिस तरह कल एंट्री हुआ था हमारा हमें लगा नहीं था कि कुछ इधर मिलेगा बट अच्छा यार पूरा हिली एरिया वाला सीन है इधर, इधर भी सीन है कहने का मतलब। और फिर से हल्का हल्का बारिश हो रहा है। अच्छा वो हमने रेनकोट पहन लिया तो यहाँ से डिस्टेंस बचा है 15 और टाइम लगने वाला 57। जस्ट इमेजिन। बाय द वे मैं कार वाला मैप लगाता हूँ, आगे यू टर्न है बड़ा सा। एक चीज़ जो मुझे हिली एरिया में बहुत ज़्यादा काम आता है वो है मैप। मैप में अगर मैं देख लेता हूँ कि हाँ किस तरह का रोड है तो ऑटोमेटिकली माइंड में बन जाता है कि हाँ कितना टर्न लेना है और अगर चढ़ाना है तो भाई कितना थ्रॉटल लेना है, उसके हिसाब से बहुत ही आराम हो जाता है। ज़रा नज़ारा चेकआउट करो, क्या ही खूबसूरत है। वाओ। और अब तो भाई धूप भी निकल गया है, क्या बात है भाई। और एक्चुअली मैं ये वाले साइड ना ज़्यादा कोई आता नहीं है तो मैं सोचा मैं भी एक्सप्लोर कर लूँ और आपको भी दिखा दूँ यहाँ की खूबसूरती। मेरा मैप यहाँ हो चुका है बंद और कोई यहाँ आसपास भी नहीं है। ये रूट है या ये रूट है, हमें लग रहा है ये रूट है। आई होप सही रास्ता हो। मेरा ऑफलाइन मैप है बट फिर भी ये एक्यूरेट नहीं है। यहाँ से ऑफ रोड है क्या? तो थोड़ा सा ऑफ रोड हमें मिल गया है, इधर का रास्ता थोड़ा टूटा फूटा है। कोई नहीं अपन चढ़ जाएंगे, इसलिए इधर का टाइम ज़्यादा दिखा रहा था कंपेरेटिवली। चढ़ान तो भयानक है, खतरनाक। पूरा रास्ता हमें ऐसा मिलने वाला है क्या? डोंट नो, जैसा भी हो जाके आएंगे। कहीं कहीं ऑफ रोड में मेरा टायर फिसल जा रहा है जब चढ़ान रहता है तो स्लिपरी हो जाता है तो टायर चेंज करने का भी समय तो आ ही गया है बट जब तक चल रहा है चला ले रहे हैं। ओहो हो
ये थोड़ा भयानक कर्व था। अरे फिर से विडो स्ट्रीट अपर चीजांग ये रोड होगा। जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहे हैं हाथ एकदम और ज़रा ठंडा होते जा रहा है और मैं ग्लव्स नहीं पहनता हूं क्योंकि भाई बार बार अपन रुकते हैं, बार बार फोटोज निकालते हैं, तो भाई ग्लव्स बार बार खोलो पहनो बड़ा दिक्कत है। और 7 किलोमीटर ओनली। ओह ऑफ रोड ही ऑफ रोड। चढ़ते जाओ। हमें लगा फिर से दो रास्ता है। नाइस। ये रास्ता में जाना था या वो रास्ता में? चलो इसी में आ ही गया, यही है। मैं एक्चुअली में डर गया था ऊपर वाले रास्ते को देख के, वो थोड़ा खतरनाक लग रहा था। भाई साहब बहुत क्रेजी सीन है। पूरा ऑफ रोड, उतरने का तो उतर जा रहे हैं, चढ़ने समय पूरा एक गियर में सैडल होके खींचना होगा। ओहो हो हो, आगे टर्निंग है। बहुत क्रेजी सीन है भाई। आई होप मेरा टायर मुझे ग्रिप दे दे बढ़िया से। क्रेजी ऑफ रोड, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा था इस तरह का। और 3 किलोमीटर है, बट मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ सब पता है। तो फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ एक मॉनेस्ट्री में जो कि यहाँ से है 3 किलोमीटर पे, 3.5 किलोमीटर पे। कोई तो फ्लैट सरफेस मिला, जान में जान आई। क्या रास्ता है यार, पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से इधर, गजब। वैसे मेरा मैप काम नहीं कर रहा है अब। तो चलो भाई हमारा वाटर क्रॉसिंग आज का। मॉनेस्ट्री इधर ही है क्या? कौन सा वाला? भूटिया मॉनेस्ट्री, तांगता मॉनेस्ट्री। अच्छा मॉनेस्ट्री जा रहे हो आप? हाँ। कहाँ से? झारखंड से। झारखंड से? हाँ। अच्छा ठीक है। अकेला? हाँ अकेला। भाई इधर का रास्ता तो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। कोई पूछे जिंदगी क्या है तो उसे ये दिखा देना। और ये हमारी पहाड़ों वाली नाइट बन के तैयार है, तो नज़ारे का मज़ा लूँगा और ये मैगी खाऊंगा और ज़िंदगी में क्या। सो भाई पता नहीं इसके ऊपर जाने के बाद मुझे एक और रास्ता उधर से भी दिखा रहा है जो कि मुझे आगे जोड़ेगा, बट मैं जितने लोग से मैं पूछा इस रास्ते से गुजरते हुए वो बोल रहे कि बस एक ही रास्ता है। लेट्स सी। वाह आधा दूर तक तो रास्ता बना हुआ है यहाँ। चढ़ जाओ। ओ ये इधर तो पूरा ही रास्ता बना हुआ है।
अब ये दो रास्ता है यहाँ, एक रास्ता इधर लेके जाता है और एक रास्ता इधर है, तो पता नहीं मैं कौन से रास्ते में हूँ। टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया ऊपर आते ही। ये मैप सही से नहीं चल रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा हम जा कहाँ रहे हैं, बट अभी तक पहुँच क्यों नहीं रहा है। 1 किलोमीटर और, मॉनेस्ट्री कितना दूर है? एक गोला। अच्छा अच्छा ऊपर ही है, ओके थैंक यू। सो सही रास्ता जा रहे हैं, मॉनेस्ट्री है ऊपर। इधर मैप चलता नहीं है सो कुछ पता चलता नहीं है। शायद हम लोग पहुंच जाना था अभी तक, बट ये तो नीचे लेके जा रहा है। सही रास्ता में जा रहे कि नहीं पता नहीं। क्या क्रेजी व्यू है यहाँ से। तो भाई इस मॉनेस्ट्री के लिए अपन इतना दूर ऑफ रोड सब करके आए हैं। वाओ ये ऑलमोस्ट बहुत ऊपर में है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरा, और वो रिवर दिख रहा होगा। तो भाई क्या जबरदस्त दिख रहा है, मजा आ गया यार। वैसे इस मॉनेस्ट्री को कहते हैं तंगता भूटानी मॉनेस्ट्री, तंगता भूटानी मॉनेस्ट्री। और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है, तो चलो फिर अब वापस चलते हैं और उसी रूट से जाना होगा, तो लेट्स गो बैक होम। एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये है स्कूल, और स्कूल का भाई प्रॉपर ग्राउंड भी है। आपको ग्राउंड मिल रहा है पहाड़ों पर, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। ये ब्यूटी को देख के मैं रुक नहीं पाता हूँ अपने आप को। और लो गलती से हम फिर नारियल का बगीचा में ही घुस गए।